बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़े मसाले का आलू कीमा। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, यह हाथ का कुटा हुआ कीमा है, बगैर हड्डी का है। आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, धुला हुआ साफ़ कीमा है, तो इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा। डेढ़ पाव मैंने आलू लिए हैं, इसे छील कर कट कर लिया है छोटा छोटा, और पानी में डाल दिया ताकि ये काले ना पड़े। दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। दो दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे भी बारीक कट कर लिया है। 10 अदद गोल साबुत मिर्चें ली है, 8 अदद हरी मिर्चें ली है, इसे भी काट लिया है। 2 मैंने साबुत रखी हैं हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत गर्म मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पात, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 सर्विंग स्पून ऑयल। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कीमा शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, तेज़पात, ज़ीरा, ये सब शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो ये मिक्स हो चुका है, तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि कीमा हमारा डूब जाए, कीमे के ऊपर तक पानी आ जाए, तकरीबन इतना जितना वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के दरमियानी आँच पर पकने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अभी मैं इसे खोल कर देखेंगे तो कीमा देखिए हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे जो कट करके रखे थे, सारे आलू इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि पानी ऑलरेडी इसमें है। अब इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएंगे। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल कर देखेंगे। आलू भी गल चुके हैं और कीमा भी हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखें। अगर आपको पानी ज़्यादा लगता है तो आप आँच तेज करके इसका पानी खुश्क कर लें, तो इसमें परफेक्ट है। अब हम इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, साबुत गोल मिर्चें, ये सब शामिल कर देंगे इसमें। अगर आपके पास हर धनिया है तो वो भी शामिल कर दें, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया, तो आप लाजमी कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन थोड़ी तेज़ आंच पर इसे रख देंगे पकने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देखिए ये परफेक्टली कुक हो चुका है, प्याज भी गल चुकी है, टमाटर भी गल चुकी है, हरी मिर्च भी गल चुकी है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बना है।
ये पक चुका है, अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म सा खड़े मसाले का आलू कीमा बन करके तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसे पराठों के साथ, चपाती के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।